जब से कोविड चला हुआ है, कोविड 19, उसके बाद जो माँ नैना देवी के कपाट जो है श्रद्धालुओं के लिए खोले गए हैं, जिससे हमारे प्रदेश के जो भक्तजन और श्रद्धालु वो दूर दूर से माता नैना देवी जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। उसी कड़ी में आज 10 तारीख से जो है कपाट माँ नैना देवी के खोले गए हैं और सरकार के पूरे नियम के अनुसार कोई भी श्रद्धालु, चाहे वो बाहर से स्टेट से आए, उसके लिए नियम बनाए हुए हैं, जैसे कि ई कोविड पास होना बहुत जरूरी है। और ये वो पहला नाका है जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा, हिमाचल प्रदेश पुलिस के जो कर्मचारी यहां पर बड़ी मुस्तैदी के साथ अपनी जो सेवाएं दे रहे हैं। ये वो स्थान है जो जहां से पंजाब बॉर्डर स्टार्ट होता है माँ नैना देवी जी के दर्शनों के लिए, जो यहाँ ये हिमाचल प्रदेश पुलिस का पहला नाका है। हिम खबर न्यूज चैनल के माध्यम से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि श्रद्धालुओं की आज बहुत बड़ी जो कोविड 19 कम से कम 5 महीने 17 दिन के बाद माँ नैना देवी के दर्शन के जो करने के लिए जो श्रद्धालु आज दर्शन कर सकते हैं, वो सरकार के नियमों का, कोविड के जो सरकार ने नियम बनाए हैं उनका पालना करते हुए। हमारे साथ कुछ लोग जो श्रद्धालु है माँ नैना देवी के लिए जाने के लिए, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम जी? अरुण कुमार। अरुण कुमार जी, कहाँ से आए आप? खन्ना से सर। अब कहाँ जा रहे हो आप? माँ माता नैना देवी के दर्शन करने के लिए आए थे। तो अब क्या कोई परेशानी आ रही है आपको माँ नैना देवी के दर्शन करने? आ रही है, अभी 2-3 घंटे हो गए हमें खड़े हुए को, तो पास नहीं बन रहा। अभी बोल रहे हैं कि अभी पास चाहिए, अभी पास से ही दर्शन होंगे जी। तो हमें इतनी काफ़ी देर हो गई, हमें पास भी अप्लाई किया हुआ पर अभी कोई मैसेज नहीं आया। तो कब से खड़े हैं, काफ़ी जने तो चले गए, कोई हरियाणा से आया था, कोई बच्चे भी हिमाचल से भी, अपना लुधियाने से भी आए थे, तो वे तो वापस चले गए। हम अभी भी खड़े हैं दर्शन करने के लिए, अभी महामाई के दर्शन करने जाना। ये थे हमारे साथ एक श्रद्धालु अरुण जी, जिनके साथ हमने बात की, जिनके पास आज जो बता रहे हैं कि ई कोविड का पास इनके पास नहीं था और ई कोविड का पास इन्होंने अप्लाई किया हुआ है। जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर हमें पास किए हैं उसकी हम तमील कर रहे हैं, जिसमें जो भी आएगा पंजाब से आए, कहीं से बाहर से आए, उसके लिए परमिशन जरूरी है, ई पास जरूरी है। और 65 साल से ज़्यादा उम्र वाला व्यक्ति को जाने की, मंदिर में जाने की मनाही है, और 10 साल के बच्चे को भी जाने की मनाही है, और कोई भी प्रेग्नेंट लेडीज उसके लिए भी मनाही है। जिसके पास परमिशन है उसको हम भेज रहे हैं। क्या सर आपको लगता है कि जैसे अब अभी मंदिर खुले और तो क्या आवाजाही बढ़ेगी? इससे आवाजाही तो बढ़ेगी, जब लोगों को पता चल चुका है कि मंदिर खुल गया है, आवाजाही तो बढ़ेगी बढ़ेगी इससे। अप्लाइड वो जैसे कि सरकार ने नियम बनाया हुआ है कि ई कोविड का पास होना बहुत जरूरी है। और मैं दिखाना चाहूँगा बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से सीधी लाइव तस्वीरें हिम खबर न्यूज चैनल के माध्यम से। ये प्रसिद्ध शक्तिपीठ माँ नैना देवी जी का जाने वाला जो मात्र पंजाब बाउंड्री से 20 या 25 मीटर की दूरी पर होगा, उसके लिए मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि थोड़ा कैमरा घुमाकर दिखाने की कोशिश करें। ये सभी जो भक्तजन माँ नैना देवी के दर्शन के लिए आज जा रहे हैं। हम खड़े कोलम वाला टोबा, जो माँ नैना देवी के लिए सीधा रोड जो ऊपर जाता है, वो ये जो पहला पुलिस का नाका है। मैं सुभाष चंदेल, हिम खबर न्यूज चैनल,
धन्यवाद। जय भारत। मैं सुभाष चंदेल, हिम खबर टीवी न्यूज चैनल बिलासपुर हिमाचल प्रदेश।